नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RPC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर, जो सभी संगठनों ने अपनी अर्जी दी है कि एग्जाम डेट को आगे खिसकाया जाए उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं, चुनावी ड्यूटी से नहीं कर सके तैयारी, वैधता भर्ती स्थगित करने की मांग। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 15 से 23 जनवरी तक प्रस्तावित स्कूल वैधता भर्ती को स्थगित करने की मांग उठी है। राजस्थान बेरोजगार संघ ने आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि इस भर्ती को तैयारी के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, लिहाजा इसको आगे खिसकाया जाए ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। संघ ने राजकुमार शर्मा, टेकाराम जुली सहित कई विधायकों भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है। संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र शर्मा का कहना है कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पिछले दिनों आयोजित हुई थी और अब वैधता भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। दोनों के बीच करीब 2 माह का ही अंतर रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों का फॉर्म भरा है, इसे अभ्यर्थी वैधता भर्ती की तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही सेवारत कई तृतीय श्रेणी शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक भी वैधता भर्ती में भाग्य आजमा रहे हैं, इसलिए इस भर्ती को आगे खिसकाया जाए, इसकी एग्जाम डेट आगे खिसकाई जाए। तो दोस्तों, बेरोजगार संगठन और साथ ही साथ कई विधायकों, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। तो दोस्तों, क्या होता है आगे, परीक्षा डेट आगे खिसकती है या नहीं खिसकती है, ये आगे पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।